डर लगता है। एक बात लोगों को भी सही से बोलते हैं, उनको गुस्सा लगता है, डर लगता है, कहीं अगला साल उठवा ही ना देगा। ये हमको तो यही लगता है। एक शेर मुझे याद आ गया राहुल इंदौरी साहब का, पत्रकार महोदय, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, यही दौर रहा तो फिर कौन अदालत में जाएगा। आज भी अपने क्षेत्र के लोगों के इंसाफ करो, वरना क्षेत्र को बर्बाद होने से कौन बचाएगा। कहने को तो बिहार में सुशासन है, मगर क्या वाकई बिहार में सुशासन राज है? इसे जानने के लिए पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, जो बिहार में तेजी से वायरल हो रहा है। उसके कुछ क्लिप हमारे हाथ भी लगे हैं। देखिए इस वीडियो क्लिप को, फिर आपको हम बताएंगे क्या है पूरा मांजरा। फिर आप तय कीजिएगा कि बिहार में वाकई सुशासन है। नियम रद्द कीले और 60 डिसमिल से 7 खूब देने वहां है चली देना चाहिए। तोर तोर बोली रो यहां का कर्मचारी सो दस्तखत, सीओ सो दस्तखत करके तोर नंबर का कत्ते पता है 85 पंचन का है। देखा सीरियल यहां देखो, हमला रास्ता दे बता दे रख ले किस्सा भाई कराए वास्ता एला सीरियल में दो थादी है भरलो है। बिहार में राजस्व कार्यालय पर कब तक उठता रहेगा सवाल? आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? क्यों अंचल कार्यालय बना दलालों का अड्डा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक उठता रहेगा बिहार सरकार पर सवाल? दावा किया जा रहा है कि वीडियो क्लिप बिहार के बांका जिले के धौरैया प्रखंड अंतर्गत राजस्व कार्यालय के ऑफिस का है, जहां कर्मचारी की जगह दलाल उगाही करते हैं। जहां दलाल अवैध उगाही करते हैं एवं सरकारी कागजातों के साथ धड़ल्ले से छेड़छाड़ करते देखे जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो मोटेशन व रशीद काटने के नाम पर राजस्व कार्यालय में कर्मचारी के दलालों के द्वारा अवैध उगाही किया जाता है। धौरैया प्रखंड के कर्मचारी रहने के बावजूद ऑफिस में दलालों का अड्डा जमा रहता है। पूर्व में भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर कार्रवाई भी हुई थी और कर्मचारी को बर्खास्त भी किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से दलालों का राज शुरू हो गया है। यहां आम आदमी को ठगने का काम किया जा रहा है, सरकारी रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इस मामले में जब धौरैया अंचलाधिकारी भाई वीरेंद्र से बात किया गया तो उन्होंने तथ्यों की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना यह है कि इस तरह के मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है, या फिर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। सुने इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं। डर लगता है, एक बात लोगों को भी सही से बोलते हैं, उनको गुस्सा लगता है, डर लगता है, कहीं अगला साल उठवा ही ना देगा। ये तो हम लोग तो बहुत कुछ देख चुके सुनते हैं, लेकिन सिलेक्शन में आकर उनको लगता है कौन क्या उखाड़ लेगा, जो करेंगे करेंगे हम ही, हमको ना कोई कुछ कर सकता है ना हटा सकता है। हमको तो ये भी डर है अगले इलेक्शन देख कितने धरातल पे है। हमको तो यही लगता है, एक शेर मुझे याद आ गया राहुल इंदौरी साहब का, पत्रकार महोदय, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, यही दौर रहा तो फिर कौन अदालत में जाएगा। आज भी अपने क्षेत्र के लोगों के इंसाफ करो, वरना क्षेत्र को बर्बाद होने से कौन बचाएगा। मैं एक सरपंच प्रतिनिधि हो करके भी इंसाफ ने लोगों का कर पाता हूँ, कुछ इंसाफ जो अपने ढंग से होता है उसको कर लेता हूँ, लेकिन जब किसी के जरिए से होना होता है ना तो ऐसा तेल लगवाता है जैसे नई नई दुल्हन जो है दूल्हे का तेल, ऐसा तेल लगाना पड़ता है। थाना जाता हूँ, वहाँ भी ये समझता सरपंच साहब आया है, इससे तो कुछ लेने वाला नहीं है, थाना दलालों से भरा है। ब्लॉक चले जाइए, वहाँ भी दलालों से भरा हो, डायरेक्ट आपसे पैसे लेने देने की बात नहीं करेगा, लेकिन दलाल के जरिए से पैसा लेता और देता है, इस बात की जानकारी मुझे है। मैं दावे के साथ, मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरा एक अनुमान है और जो मैं लोगों की आवाज़ें सुनता हूँ उस आवाज़ पर बोल रहा हूँ। अपना परिचय जी, मैं काठबन गांव बिरबलपुर पंचायत से बिलोंग करता हूं और उस पंचायत का मैं सरपंच प्रतिनिधि हूं, काठबन गांव का रहने वाला हूं, लेकिन मेरा एक ही सोच है कि क्षेत्र में जब भी कोई भ्रष्टाचारी होगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे
और जब भी कई भ्रष्टाचार होता होगा मैं वहां जाकर के खड़ा रहूंगा और मेरा कोशिश यही है कि सबके साथ इंसाफ हो और हक और सच का जीत हो। धन्यवाद। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए बांका से आशीष कुमार की रिपोर्ट।